नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज बहुत खुशी का दिन है, मैंने एक महीने में 6 किलो वेट कम कर लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खुशी को जरा मनाया जाए। तो आज मैं जा रहा हूँ छोले भटूरे खाने। जी हाँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया है कि ये साउथ दिल्ली में काफ़ी अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नागपाल के छोले भटूरे खिलाने। सो लेट्स गो। तो अब हम अमर कॉलोनी की मार्केट में एंटर कर गए हैं। बस यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ही है हमारे नागपाल के छोले भटूरे, काफ़ी फेमस है इस मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं नागपाल के छोले भटूरे। और शायद मैंने अभी कोई गलत टर्न ले लिया है, मेरे को गाड़ी आगे से घुमा के लानी पड़ेगी। किसी ने बताया कि मंदिर से आगे जाके लेफ्ट में आएगा, वहाँ से सीधा जाके आ जाएगा नागपाल कॉर्नर, बाबा नागपाल कॉर्नर। और ये लोग गाइस आ गया है बाबा नागपाल कॉर्नर। जी हाँ, लिखा है चना भटूरे पूरी छोले बाबा नागपाल स्नैक्स। वैसे यहाँ पे अंदर खड़े होकर भी खा सकते हैं और गाड़ी में भी। आज ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, तो पहले देखता हूँ गाड़ी कहाँ लगानी है। और ये लोग गाइस आ गया है बाबा नागपाल कॉर्नर। कहते हैं यहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, तो देखो ट्राई करते हैं। और ये लो जी आ गए हैं मेरे छोले भटूरे। 2 भटूरे हैं, छोले हैं, प्याज हैं और थोड़ा अचार भी डाला हुआ है। दोस्तों तो ये आ गए हैं नागपाल के छोले भटूरे। तो भटूरा तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं कैसा है। लाजवाब मज़ा आ गया। मतलब मैंने शायद 6 महीने तो भटूरे नहीं खाए थे, लेकिन ये खा के ऐसा लग रहा है कि भाई दिल खुश हो गया है। तो भाई दोस्तों मज़ा आ गया है छोले भटूरे खा के। भाई मतलब मेरे को इतने बढ़िया लगे कि मैंने 2 प्लेट तक घर के लिए भी पैक करा लिया। और वैसे तो मेरा मूड था कि आज कुछ कुल्फी वगैरह या लस्सी पीता हुआ ठंडी, क्योंकि गर्मी में दिल्ली में लस्सी पीने का अलग ही मज़ा आता है। लेकिन भाई मैंने क्या किया कि एक भटूरा एक्स्ट्रा खा लिया, तो अब और नहीं खाया जाएगा। तो अब मैं कुछ काम था राजपुर नगर में, वो काम करने जा रहा हूँ। फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। और आप मेरे को बताइए कि आपको दिल्ली में किसके छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। और मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कुछ वहाँ जाने के लिए। थैंक यू।